डेली का डिस्काउंट फ्री मिलेगा, क्योंकि दुकान तो करोड़ों रुपए की है, कहाँ से लगाओगी तुम? और ये 15 लाख रुपए ये जब मिल जाएगा, एंटर भी मिल जाएगा और इसके बाद दुकान खुल, तो सामान लाने का गोबरी भी बचा करके लाया जा सकता है। ये मेरा है, ये इस तरह का मेरा एक सलाह फैक्ट्री का मैंने बताया, बना के 50 मीटर से 250 मीटर के बड़े बड़े हाल बना बना के 10-12 मंदिर बना वो दे दो दुकान बना के उसके लोग बैठेंगे। मतलब ये यदि कॉमर्शियल जगह होगी तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा किसी भी काम का। यदि आपके पास कॉमर्शियल जगह नहीं है, आपको ना लोन वाला लोन दे रहा साफी की तरफ, वो कहेंगे जी इसको तो कर्जा मंगा दिया, तो इसका भी नहीं है तो उसमें लोग आपको अड़चन डालेंगे। मंत्री जी कहते नहीं बनाओ, पॉलिसी बनती जाएगी, लेकिन वो कच्ची बोलती होगी यदि पक्की जगह मिल जाए जिसका कोई किराया ना हो, 1 रुपए की चीज मालूम करना पड़ेगा ना कौन हमारे आदमी से फोन करा देंगे। दो फायदे होंगे, एक तो ये उसका घर परिवार फोन करा देंगे, दूसरा ये उसको देख कर दूसरे रंग बदले, खाली घूम रहे हैं बेकार नाम बता देते उनको देख कर के वे भी लोग और हमारा समाज धीरे धीरे नहीं तो हमारा आ नहीं रहा। अब एक जय भगवान जाटव बालिका भी आपको मालूम भगवान जाटव को तो 5 लाख तो जीना आते तो सब जय भगवान जाटव कैसे बन जाएंगे? धीरे धीरे जब से बढ़े मैं कहता हूँ सब बढ़ना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए, लेकिन मौका मिलेगा तो इसलिए मौका मंत्री से मैं अनुरोध करूँगा कि सबको मौका मिला। फिर एक बात, कम से कम एक दिन आया था अखबार में कितना 200,000 इन्वेस्टर बोर्ड दिल्ली में ऐसे खाली पड़े हैं जिनके मालिक मर गए हैं, छोड़ के चले गए हैं, विदेश चले गए हैं, क्यों बढ़ा नहीं पाए, कैंसिल पड़े हैं DSI ITC के, अरे कुल 400 को 1,000 के प्लॉट पड़े, 2,000 के जो प्लॉट पड़े उनमें पर टेस्ट भी पड़ा दो, छोटे छोटे बना करके नहीं जगह मिल रही है, वो तो दिल्ली गवर्नमेंट के हैं, उन दिल्ली गवर्नमेंट के में बात की जा सकती है कि भाई ये प्लॉट कितने हैं ये गरीबों को दो, तो उनमें जो बना करके मल्टी स्टोरी बना छोटे छोटे, मतलब कॉमर्शियल लैंड होने से, यदि कॉमर्शियल लैंड होगी तो आपको लोन भी आसानी से, सब चीज भी आसानी से मिल जाएगी उधार देने वाले भी से, और नहीं तो आपको ये कहेंगा ये हाँ ये रहता है ये तो ये खोटी चीज में क्या इसका ले लेंगे, तो उसे एक इज्जत पड़ेगी वह रहता है। तो मेरा दूसरा आपको था एक स्कीम चलती थी यहाँ, वो छोटी छोटी स्कीम है, लेकिन हमारे समाज के बारे में ये प्रेस देते हैं समाज के प्रेस, तो मेरा मुझे कहा नहीं वो आते हैं, तो एक मेरा प्रेस का था मेरा कि हमको धोबियों को प्रेस का एक्शन है। दूसरा जो बिकवाई थी वो सिलाई मशीन पहले स्कीम थी वो सब थी, ये सब बंद होगी, ये सब बंद होगी, उसको तीसरी स्कीम थी एक कंप्यूटर कोर्स कराने की स्कीम थी सब जगह, तो हम भी उसके हुए थे कि पूरे DSMTC के द्वारा पूरे दिल्ली में वो कंप्यूटर सिखाने का चलता था एक साल तक, हमारा भी सेंटर था कंप्यूटर सिखाने का, और आपको बनाया था हमारे प्रतिनिधि थे, उसको तो व्यापार जगह भी क्या होगी क्या सही क्या वो हुआ चलाया कुछ, लेकिन वो हमारी आज स्कीम बंद हुई 200 साल, वो 200 साल की पुरानी स्कीम यदि खोली जाए तो जय भगवान जाटव के बच्चे तो कहीं भी सीख ले, मेरे तो दूसरे बड़े लोगों के तो हैं, लेकिन जिनकी हम बात करते हैं गरीब समाज से जो नहीं दे सकते उनके बच्चों को आगे सिखाना चाहिए, तो उन बच्चों के लिए तुरंत ये स्कीम जो कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कीम वो उसमें पहले साल 1,000 बच्चे को ही दे रहे हैं, वो 3,000 तक की थी, वो 1,000 बच्चे जो बिल्कुल गरीब के हैं जिनकी माली हालत की गाँव के बच्चे हैं, वैसे एक स्कीम तो कभी नहीं जो 100% सक्सेसफुल है जिसको कोई नहीं जानता, वो मैंने कराई अपने पैसे से कराई, मैं 4-5 साल तक पब्लिक सेक्टर में ड्राइविंग कार चलाने हैवी व्हीकल चलाने की यदि हमारे बच्चों को ट्रेनिंग मिल जाती है, ज़्यादा नहीं सीख लो 15 दिन में सीख जाता है, लेकिन फिर भी 5 दिन में बिल्कुल एक्सपर्ट होता है,
मैंने 450 बच्चों को दी थी स्कीम, 450 बच्चों में एक भी बच्चा अनएम्प्लॉयड नहीं। कहीं चंपू लिए या कहीं धीरे धीरे सीटें बंद, एक भी आदमी मुझे नहीं मिला। सब आते पैर टूटते भाजी, हम तो आपकी जिंदगी बना दी और हमने अपने पैसे बढ़ाए, हमें किसी से कोई गाड़ी नहीं दी। तो हमारे गाड़ियाँ थी, अपनी कारें थी। तो यदि ये स्कीम चलवा दी जाए, ये तो ट्रांसपोर्ट पर अभी मैं अब आपको बता दूँ, किसी स्कीम की कमी की वजह से जो 10,000 टेम्पो निकले हैं ना वो सिमिलर के, वे हमारे कैंसिल करके सुरपास्ती कोटे के उनको दिए। हमारे थे भी मेरा झगड़ा चला जिसमें विश्वास मेरा सस्पेंड हुए, मैंने इन्हें सारे बेच दिए, सारे कंप्यूटर बेच करके उनको दिया। वो सारी फाइल मेरे पास 4 फाइलें चल गए। तो यदि 10,000 ये जो टम्पो किए सिविल किए उनको, हमारे 10,000 बच्चे सीख सकते, क्योंकि वह बैच मिलता है बैच सिविल कोर्स से चला था। मेरा बच्चा तो नहीं चलाएगा, शायद आपका बच्चा नहीं चलाएगा, तो जो अच्छे कर तो नहीं चलाएगा। जो बेचारे गरीब के बच्चे वो सिविल चलाने तो उनको 1,000 रुपये वो घर कमा लेते हैं, तो घर परिवार को आराम कराए, हाँ किराए पर लेते हैं, उनका देते हैं 700-600 रुपया किराए दे के, फिर वो अपने घर भी 200-300। यदि ये स्कीम 10,000 की उनको 150 रोक दी जाए, या हमारे बच्चों को बैच दिलवा जाए, उनको सिखा दिया जाए कि 15 दिन में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट काम क्या है, इनके लिए सेंटर है सब जगह, उनको ये चिट्ठी हम लोग को लिखवा करें कि भाई ये हमारे बच्चे कटे हैं, ये दोबारा से इनको फ्री विलर ला करके इनको पहले सिखाओ, पहले उनकी एप्लीकेशन का उपयोग चलाना जरूरी, जो नहीं जानते हम उनको भी सिखा देंगे। 15 दिन में सीख जाता है, 5 मिनट का काम है, कौन सी बात है, लेकिन 15 दिन के ट्रेनिंग देते हैं, बैच मिल जाता बैच का। यदि ये भी काम शुरू हो जाए तो एक दिल्ली में बहुत सारा फैसला मिल जाएगी। एक मैं अब मैं छोटे छोटे बता देता हूँ, एक अम्बेडकर रत्न अवार्ड करता है, वो मुझे बात की है उसके बारे में, उसको दिलवा दें जो मैं जो बताया पड़े हैं पढ़े हैं वो सब उनको दिलवा दें। एक सर्विस का बैठ होगी, चाहे जो चीफ सी एम से चीफ मिनिस्टर चाहे जैसे झगड़ा करना पड़े, एक माहौल ठीक करने के लिए उसका बैक होगा, जितना हमारा टेक्नोलॉजी और बढ़ना है इसका फर्क क्या पड़ेगा। यदि ये निकलवाते हैं तो पूरे देश पर, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट जिसमें आम आदमी सरकार है वो हमारे लिए ये सब कर रही है। आज की तारीख में हमारे हाथ में बहुत रेखा है, उनके समय में नहीं आता, हम वहाँ जाए उनके लिए कोई रास्ता नहीं, क्योंकि बीजेपी उनकी सूट नहीं करती, बिल्कुल दुश्मन है। कांग्रेस भी 70 साल में हम लोग का जो खून तो शायद कांग्रेस है, ये भी सबको पता है, अब जाए तो जाएगा, तो हमारे लिए कोई जगह नहीं है। हम लोग बड़े चौराहे पर खड़े हैं, हमसे कोई पीछे के भी वोट किस पार्टी को वोट देंगे तो हम इस स्थिति में नहीं है कि हम ये बता सकें कि हम किसको वोट देंगे। इसलिए ये वैक्यूम है इसको काम करना है थोड़ा सा। यदि अरविंद केजरीवाल के मन में है आप लोगों को थोड़ा समझा दें, तो दिल्ली में कुछ ऐसी नीतियाँ बना दें जिनका फर्क पूरे देश में पड़े, हर स्टेट में पड़े, जो वहाँ चुनाव हो रहा होता तो उसमें भी पड़े। लेकिन दो चार स्कीम ही वो है देखने को, दूसरा ये कि एजुकेशन लोन है, इन्होंने एक स्कीम बनाई एजुकेशन लोन की, एजुकेशन का लोन मिलता है, मध्य प्रदेश सरकार एजुकेशन लोन देती है, उस पर जो ब्याज लगता है इतना हैवी है जितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, उस पर 12 रुपये लोन है 8.5% का, मकान पर लोन तो 8.3% का, और यदि बच्चे को पढ़ाने का लोन तो उसमें ब्याज है 2%। है बड़ी बदतमीजी है, यदि यहाँ की सरकार मध्य प्रदेश की गरीबियों को बोलो कर ले, सब नेट में पड़ी है, मुझे कहीं कोई चीज की लागत है नहीं, यदि है तो नेट से निकालो। वहाँ पर स्कीम है कि जो ब्याज लगेगा उसका 50% वहाँ की गवर्नमेंट देगी, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के बाद 14% या 12% है उसका 6% वहाँ की स्टेट पे करती है और 6% बच्चे के लिए। इस तरह की मेरा अभी एक स्कॉलरशिप की बात थी, ये बाबा आदम के ज़माने का बच्चों को स्कॉलरशिप चला रहा, बल्कि बहुत दिनों मिला ही नहीं है 15 साल से। तो जो बच्चे गरीब के हैं जो अच्छे खाते पीते घर में तो निकाल ले जाते हैं, लेकिन यदि बच्चे को कुछ भी मदद मिल जाए तो उसकी मदद वो तुरंत सबको टाइम से मिलना चाहिए और अच्छा मिलना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का स्कॉलरशिप उसको
थोड़ा सा अपना शेयर कर दो। इनको तो सिर्फ आठवीं तक का ही देना है, तो आठवीं तक के बच्चों का इसको दिल्ली गवर्नमेंट को देना है, तो दिल्ली गवर्नमेंट इसको 200 दे सकती है। पैसे देते जिसका एक रजिस्टर भी है, महीने में एक रजिस्टर भी आता, रजिस्टर 60-70 रुपये से कम नहीं आता, और ये 60-70 रुपये भी नहीं देते बच्चे को, तो एक रजिस्टर भी नहीं दे सकते, तो फिर पता क्या देना है, तो उनको पता है जरूरत हो जाए, जिससे अपनी जरूरत की चीजें थोड़ा बहुत खरीद। इसलिए दूसरा एक सबसे बड़ी बात है, हमारे को जैसे DSR से 7 लोग देते, मेरा ये सोच है कि पैसा हमारे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ये शुल्क काम करो, विकास करो, उसके लिए पैसा, उसके ऊपर वो पैसा आया हमारे लिए, हम नहीं दे रहे उस पर प्यार, इतना भारी प्यार क्यों भाई, ये इतना प्यार प्यार हमारा पैसा हमें ही दे रहे हो, हमारे लिए आया है कि भाई इनका विकास करना है, उस पर इतना मोटा प्यार, फिर इतनी मोटी प्यार, अरे हमारे लिए पैसा आया क्या हो जाएगा, मान लो थोड़ा बहुत 1-2% नहीं भी आया, तो भारत सरकार का देखो ना, 1-2 लाख 5-5 लाख रुपये तोड़ माफ कर रहे, सारे बैंकों को फिर दे दिया 2 करोड़ रुपये बैंकों को, तो वे तो सब पूरा करते, हमें तो ये बता दो श्रीनिवास को क्या दिया, क्या डूबा, हमें 15 साल का हिसाब बता दो, हमें किया किसान का होता है, किसान का कर्ज दिया हुआ सारा डूब गया, भाई माफ कर दो किसान, अरे हमें दिया ही नहीं माफ क्या कर दे, हमें जब देता ही दिया ही नहीं, भी दिया तो माफ का ही कर दिया, माफ करते ही हमें दिया ही नहीं तो माफ का ही कर, वो सब जगह सब इसकी चल रही है, हमें कहते हैं मैं दे नहीं, अरे हमारा पहले अनुमान लगा ले तो देंगे, पहले दे तो जो जो तुमने जिसको तुमने दिया है वो उसने कितना लौटाया तुम्हें, तो हमें तो हमारे विकास के लिए मिलता है पैसा, हमारे लिए ये नहीं मिलता कि तुम ब्याज पर मिला, लेकिन फिर एक स्कीम का एक तरीका बनाना पड़ता है, वो बन गया, अब हमें लोन पे हमें बिना ब्याज दे दे दो, जो पैसा दिया आपने हमें 2 लाख दिया, 2 लाख वापस दे लो, 5 साल किस्तों में ले लो, 10 साल में तो 8 लाख दे लो, बदलो क्या क्या हो गया, पैसा ही तो वापस आया, पैसा ही दिया तो पैसा हमारे लिए, तो बिना ब्याज दिया, और यदि किसी तरह का मतलब फसाया महसूस करें या सरकार का तो हम लोगों से 4% से ज़्यादा ब्याज नहीं लेना चाहिए, जो इससे ज़्यादा ब्याज दिया है वो शोषण है, उसे उपासना है, तो फिर बैंक ही बैठी है, और जहाँ तक गारंटी की बात है, मैं ये 40 साल से लग रहा हूँ कि हमारे पास गारंटी नहीं है, हम लोगों की पर्सनल गारंटी ले लो, जो तुमने हमें खरीद के दिया वो तुम बोलिए उधर लो, और ये मांग 40 साल पहले से ही चलती है, ऐसी कभी हो जाती है कभी ना हो जाती, कभी आ हो जाती कभी ना हो जाती, तो जो पैसे की मांग तो हमने कोई भी बिजनेस करना मशीन खरीद कर आया, हमने 5 लाख रुपये मांगी, हमें दे दिए 5 लाख में, 5 लाख में जो जो मशीन दिया है वो अपना नाम करवा लो, जैसे यहाँ DSR जैसी वो मिक्स बिल्कुल लो, तो बस दोनों वाली को धंधा हमारा आदमी करेगा कमाएगा, और क्या करो डॉक्टर साहब आप तो मेरे साथ बैठ के इनमें काम करेंगे, ये तो बिना सारी को बताने की बजाय हम और आप मिलकर इनपे काम शुरू करेंगे ना, काम ही करते हैं हो जाएगा, ये बात ठीक है, क्या बताना चाहिए आपको, बताना चाहिए बताना चाहिए एक तो दिल्ली में ओवरसीज स्कॉलरशिप सब स्टेटों में है, वो है बाहर विदेश पढ़ने भेजना चाहिए, तो कम से कम 50 बच्चों की स्कीम जारी होनी चाहिए, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, हर स्टेट में है कि आप बाहर बच्चे पढ़ने भेज सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट की है स्कीम, उसकी 60 बच्चों की थी अभी 100 बच्चों की हो गई, वो बच्चा 100% सारा खर्चा आज हवाई जहाज की किराया चलिए सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट का, फिर मध्य प्रदेश सरकार हर सरकारें हर राज्य अपने तो मेरा आग्रह है कि ये दूसरा मैंने ये था कि यहाँ रेजिडेंशियल स्कूल की 40 साल से मेरे पास फाइल है,
हर बार पैसा आता है भारत सरकार की तरफ से, खोलो रेजिडेंशियल हॉस्टल बनाओ। दिल्ली सरकार ने एक हॉस्टल बनाने का दिखा दिया, उसके बाद कोई हॉस्टल बनाया ही नहीं, कोई स्कूल खोलना ही नहीं, जबकि पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये है यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी यूनियन टेरिटरी के लिए भारत सरकार का 100% स्कूल खोलने में 200 करोड़ लगेगा, तो 200 करोड़ गवर्नमेंट देगी। दिल्ली सरकार को अपना एक रुपया दिलवा हम बनाएंगे, मुझे तो लड़ाई झगड़े की बात अरुण जेटली को मैंने वाली, वो कहते ये मेरे साथ की पढ़ी। हाँ मैंने उसको ये लिखा था, मैंने कहा आप हमारी बात नहीं है, हम आपकी बात, वोट हम देते हैं आप, सरकार हम बनाते हैं, मिनिस्टर हमारी वजह से बने, आप अपने मिनिस्टर नहीं बन सकते। सब लोग हम बैठा धन्यवाद हुई, उन्होंने कहा ये दोस्ती बातें छोड़ो, आप पूरे देश में हर एक बढ़ाओ, और सबसे पहले मेरे बनाओ, आप पैसा मैं दूंगा सारा 100%। आप डॉक्टर सर आप सबको धन्यवाद।